आपका स्वागत है। आइए देखते एक नजर आज की हेडलाइन पर। विजय माल्या अपनी तीसरी पत्नी से उधार लेकर कर रहे हैं गुजारा। राहुल गांधी ने कहा मोदी को आई लव यू। रहस्यमय विस्फोट से दो जवान घायल। अब खबरें विस्तार से। विजय माल्या ने लंदन की एक अदालत में अपनी आर्थिक हालत के बारे में बताते हुए कहा कि बैंकों ने उनकी संपत्तियों और पैसे फ्रीज कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें उधार मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। दरअसल माल्या के वकील ने अदालत में बताया कि माल्या अपनी पत्नी पिंकी लालवानी से मोटा उधार ले चुके हैं। बता दें कि पिंकी लालवानी की सालाना सैलरी 1,35,00,000 रुपए है। पिंकी लालवानी पिछले साल तब चर्चा में आई थी जब ये पता चला था कि वो लंदन में शराब कारोबारी की पार्टनर है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पुणे में छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि आई लव मोदी, मुझे उनके प्रति बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें मेरे प्रति काफी गुस्सा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं में संवाद करते हुए पुणे में आए हुए थे। हरबसट स्थित मगरपट्टा सिटी के लक्ष्मी लॉन्स पुणे शहर युवक कांग्रेस तथा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस समारोह में करीब 5,000 युवाएं मौजूद थे। बहुचर्चित अभिनेता सुबोध भावे तथा आरजे मल्लिका ने समारोह का सूत्र संचालन किया था। रहस्यमय विस्फोट में दो जवान घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सैन्य शिविर के अंदर हुए रहस्यमय विस्फोट से दो जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि विस्फोट हंदवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल्स के राजपोरा शिविर में हुआ। इस मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।